नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप पेपर वाइज और टॉपिक वाइज एडिटोरियल के आर्टिकल्स की वीडियोस को देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कोर्सेज के बारे में। आप video.onlyis.in पर जाके, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस कोर्स, करंट अफेयर सीरीज, मेंस बूस्टर प्रोग्राम। और अगर आपको कोई डाउट हो इन कोर्सेज से संबंधित तो आप अपना डाउट सेंड कर सकते हो onlyis@gmail.com पर। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर उर्जित पटेल के इस्तीफे के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कल हमने डिस्कस किया था किस प्रकार से आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर उर्जित पटेल के द्वारा इस्तीफा दिया जाता है गवर्नर की पोस्ट से। आर्टिकल में कहा जाता है पिछले महीने 19 नवंबर को जो बोर्ड मीटिंग हुई थी उसके बाद लगा था जैसे ऑलमोस्ट सभी विवादों को, सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच जो विवाद थे उनको सुलझा लिया गया है। लेकिन शायद जो लार्जर रीजन था, यानी बड़ा इशू था, सेंट्रल बैंक की ऑटोनमी, सेंट्रल बैंक की इंडिपेंडेंस, उसी इशू को लेके उर्जित पटेल के द्वारा इस्तीफा दिया गया, रेजिग्नेशन दिया गया। खबरें इस प्रकार की आ रही थी, शायद बोर्ड कमेटीज का गठन किया जा सकता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को डायरेक्शंस देने के लिए। तो आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर उर्जित पटेल को लगा अगर बोर्ड कमेटीज का गठन किया जाएगा आरबीआई को डायरेक्शंस देने के लिए, तो इससे आरबीआई की ऑटोनमी और आरबीआई के गवर्नर की कार्य करने की जो क्षमता है वो प्रभावित होगी, आज़ादी नहीं होगी आरबीआई के गवर्नर के पास अपने हिसाब से काम करने की, तो उनकी पोजिशन कॉम्प्रोमाइज होगी, इसलिए काम करने से बेहतर है इस्तीफा दे दिया जाए, उर्जित पटेल ने ये सोचा। लेकिन राइटर कहते हैं ये जो लड़ाई थी वो किसी इंडिविजुअल की लड़ाई नहीं थी, ये इंस्टीट्यूशंस की लड़ाई थी। उर्जित पटेल को आरबीआई के अंदर रहकर ही आरबीआई के लिए एसर्ट करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देना उचित समझा, जो उनका अपना डिसीजन है। लेकिन अगर वो आरबीआई के अंदर रह के ही आरबीआई के हकों की आवाज़ उठाते तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जगह पर सही है। सेंट्रल गवर्नमेंट के दो मेन इश्यूज थे। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना था लिक्विडिटी होनी चाहिए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के पास, क्योंकि ILNFS डिफॉल्ट होने के कगार पर आ गई थी ये कंपनी, और भी महसूस किया जा रहा था कि हमारे देश में जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनके पास लिक्विडिटी की कमी है। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती थी कि लोन देने के जो नॉर्म्स हैं उन्हें आसान बनाया जाए, क्योंकि देखो जो भी चुनी हुई सरकार है उसकी एक अकाउंटेबिलिटी बनती है जनता के प्रति। वो सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट दिया जाए स्मॉल एंटरप्राइजेस को, और ताकि देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़े। लेकिन आरबीआई के गवर्नर थोड़े सावधान थे इन मसलों पर। आरबीआई के गवर्नर को लगता था ऑलरेडी नॉन परफॉर्मिंग एसेट काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, अगर लोन देने के नॉर्म्स को आसान बनाया जाएगा तो आगे भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए था, क्योंकि दोनों अपनी अपनी पोजीशंस पर ठीक हैं। आमतौर पर देखो पहले जो भी फाइट हुआ करती थी आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच वो बंद कमरों में सुलझा ली जाती थी। रेयरली ऐसा होता है कि इस प्रकार की फाइट पब्लिक डोमेन में सामने आती है। पहले जो फाइट्स हुई आरबीआई गवर्नर और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच उनका तो हमें बहुत सालों बाद पता लगता है। जब आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर के द्वारा कोई बुक लिखी जाती है तब हमें पता लगता है अच्छा 20 साल पहले लड़ाई हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई गवर्नर के बीच, लेकिन ये पब्लिक डोमेन में आ गई इसलिए काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुई। आगे राइटर ये कहते हैं कोई भी क्राइसिस हो उससे सीखने की आवश्यकता होती है और रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता होती है। ये जो क्राइसिस हैं इनसे भी हमें सीखने की आवश्यकता है, रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है। फिर से राइटर फोकस करते हैं यहाँ पर बात इंडिविजुअल्स की नहीं है, यहाँ पर बात इंस्टीट्यूशंस की है। जैसे देखो पहले मॉनेटरी पॉलिसी को लेके काफ़ी विवाद रहता था सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच, लेकिन इसके लिए एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म इस्टाब्लिश कर दिया गया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। 3 सदस्य आरबीआई अपॉइंट करेगा, 3 सदस्य सेंट्रल गवर्नमेंट, 6 सदस्य मिलके मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करेंगे, बैंक रेट को, रेपो रेट को, रिवर्स रेपो रेट को किस प्रकार से रखना है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनने से पहले जो लड़ाई हुआ करती थी आरबीआई के गवर्नर और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच वो लड़ाई नहीं होती, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन बना दिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो फ्रिक्शन खत्म हो गया। जैसे एक और भी इशू है,
सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है आरबीआई को, आपके पास जो सरप्लस है यानी जो रिजर्व्स हैं वो हमें दे दीजिए, हम उनका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आरबीआई रिलक्टेंट था। 19 नवंबर की बोर्ड मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा जिसमें इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे आरबीआई के और सेंट्रल गवर्नमेंट के। वो कमेटी ये डिसाइड करेगी कि आरबीआई के रिजर्व्स को देना है सेंट्रल गवर्नमेंट को या नहीं देना है, और देना है तो कितने रिजर्व को देना है। तो इस प्रकार से अगर कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म तैयार कर दिया जाता है तो फ्रिक्शनल जो इश्यूज होते हैं आरबीआई गवर्नर और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच, उन फ्रिक्शनल इश्यूज को खत्म किया जा सकता है। अभी आवश्यकता ये है इस प्रकार के जो भी इश्यूज हैं उनके लिए कोई ना कोई एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म तैयार कर लिया जाए, कोई कमेटी या फिर कोई दूसरा मैकेनिज्म, ताकि भविष्य में इस प्रकार के फ्रिक्शनल इश्यूज आए ही ना आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच। वैसे रघुराम राजन जो पहले गवर्नर थे उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात ये कही थी, काफ़ी एम्बिग्यूटी है आरबीआई के गवर्नर की पावर्स के बारे में, और ये भी नहीं बताया गया है कि गवर्नमेंट की हायरार्की में आरबीआई के गवर्नर की पोस्ट कहाँ पे आती है। तो इस एम्बिग्यूटी का फायदा उठाया जाता है काफ़ी बार, जो बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर को दबाने का प्रयास करते हैं, ये सही नहीं है। तो आरबीआई के गवर्नर की पावर्स को क्लियरली डिफाइन करना जरूरी है, और गवर्नमेंट की हायरार्की में आरबीआई के गवर्नर की पोस्ट कहाँ पे आती है ये भी डिफाइन करना जरूरी है। एक पॉइंट वैसे यहाँ पर यह भी लिखा जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने कंसर्न्स थे, पंजाब नेशनल बैंक में स्कैम हुआ बड़ा, ILNFS कंपनी डिफॉल्ट होने की कगार पर आ गई, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना था अगर आरबीआई ने अपने सुपरवाइजरी फंक्शंस ठीक से निभाए होते तो ऐसा नहीं होता, ना ही पीएनबी बैंक में स्कैम होता और ना ही ILNFS कंपनी डिफॉल्ट की कगार पर आती। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी नाराजगी थी कि आरबीआई अपना रेगुलेटरी काम ठीक से नहीं कर रहा है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, उर्जित पटेल ने किन हालातों में अपना इस्तीफा दिया आरबीआई के गवर्नर की पोस्ट से। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।